भाई दूज कब है और इस दिन लोग कहते हैं कि राशि के मुताबिक मिठाई खिलाना चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ है? इस बार दीपावली के 2 दिन बाद भ्रातृ द्वितीया है, जिसको हम लोग ग्राम्य भाषा में भैया दूज कहते हैं। असल में इसका नाम है भ्रातृ द्वितीया। इस दिन भाई अपने बहन के घर जाकर, जो जिस बहन की शादी हो गई है उसके ससुराल में जाकर उससे निमंत्रण लेता है, अर्थात आशीर्वाद ग्रहण करता है। बहन तब तक भोजन नहीं करती है जब तक भाई को आशीर्वाद नहीं देते। भाई उस दिन मिठाई, कपड़ा, जेवर लेकर बहन के पास जाता है और बहन से, चाहे भाई बड़ा हो या छोटा हो, बहन का आशीर्वाद उसको लेना ही है। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई है बहन छोटी है, वह आशीर्वाद ग्रहण कैसे करेगा छोटी बहन से, ऐसी बात नहीं है। उसमें इसका देहाती मंत्र है, यम को जमुना निमंत्रण देती है। जिस तरह जम और जमुना में भ्रातृ द्वितीया का मिलन हुआ, जैसे जैसे जमुना का पानी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे भाई का आयु बढ़ेगा। इस मंत्र से 5 बार भाई के हाथ में पान, सुपारी, करमी, लत्ती, करमी का लत्ती जो है पानी में फेंक दीजिए, वह तुरंत उसकी वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। जिस तरह करमी का लत्ती बढ़ता है उसी तरह मेरा भाई का आयु दिनानुदिन बढ़े, इसी मंत्र का आवाहन करती है और भाई को यही मंत्र कह के आशीर्वाद देती है। भाई यदि छोटा होता है तो बहन को प्रणाम करता है, इस पर्व को मनाने के बाद बहन छोटी होती है तो भाई को प्रणाम करता है। उस दिन बहन के यहाँ अन्न खाना अत्यावश्यक है, बहन का अन्न खाना ही चाहिए। ऐसी बात नहीं है जिसका जो राशि है राशि के अनुसार मिठाई ले जाए, ये गलत बात है। इसमें राशि का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी राशि का भाई हो, किसी भी राशि का बहन हो, ये पर्व को मनाना ही चाहिए, लोग मनाते हैं। दिन बहन क्या कुछ करते हैं, मतलब उस दिन भाई खाएंगे ही उन बहन के यहाँ? उस दिन बहन का अन्न खाना ही चाहिए, बहन से आशीर्वाद प्राप्त करना ही चाहिए, यही नियम बताया है शास्त्र में। इस बार द्वितीया कब प्रवेश, इसके लिए कोई मुहूर्त वगैरह भी है क्या? जैसे 12 तारीख को दीपावली है तो 1 तारीख को शून्य है, उस दिन कुछ नहीं है। 2 तारीख को गौ पूजा है और 3 तारीख को भ्रातृ द्वितीया है। 13 को कुछ नहीं है, 14 को गौ पूजा है, 15 को भ्रातृ द्वितीया है। 15 को लोग भ्रातृ द्वितीया का पर्व मनाएंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम दयानाथ मिश्र, पूर्णिया।